बलदेव स्थित स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को बलदेव विकासखंड की आशा कार्यकर्त्रियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बलदेव विकासखंड की आशा कार्यकर्त्रियों ने भाग लिया। इस दौरान आशा कार्यकर्त्रियों को 6वें और 7वें मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया गया। मॉड्यूल प्रशिक्षण के साथ ही आशाओं को तंबाकू निषेध व स्वच्छता के प्रति भी प्रशिक्षित किया गया। क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा कार्यकर्त्रियों को मॉड्यूल प्रशिक्षण के अंतर्गत उनके कार्य के बारे में विस्तार से समझाया गया तथा गर्भवती महिलाओं व जच्चा बच्चा की देखभाल करने के विषय में भी उन्हें उपयोगी जानकारी दी गई। इसके साथ ही क्षेत्र में जाकर तंबाकू के प्रयोग से होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने के बारे में भी आशाओं को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में आशाओं को ये बताया गया कि वे जगह जगह जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करें और लोगों को बताएं कि अपने आसपास गंदगी न रखें, साफ सफाई रखें, जिससे बीमारी से बच सकें। वो महिला इंसान क्या क्या बताया जा रहा है, क्या बताया? मतलब आठ हिंसा के बारे में बताया और शारीरिक हिंसा के बारे में बताया, भावनात्मक के बारे में बताया, मानसिक संक्रमण रोग जो चल रहे हैं बच्चों में और मतलब बीमारी लक्षण बताए, किस संबंध में बताया गया बच्चों की बीमारी किस संबंध में जो बैठक ली है? ये आज हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 कार्यक्रम की मीटिंग हो रही है। एक तो 6th-7th मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जा रही है आशाओं को जो क्षेत्र में कार्य करती है, तथा तंबाकू के बारे में इनको बताया जा रहा है तथा स्वच्छता के बारे में इनको बताया जा रहा है। ये इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है इसके अंदर सारी जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे कि ग्रामीण वासियों को पूर्ण स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी सहयोग मिल सके वो हमेशा मिलता है।